जेलर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। रजनीकांत की फिल्म जेलर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन कर रही है। ये फिल्म भारत में 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। सुपरस्टार रजनीकांत बॉक्स ऑफिस के किंग हैं। उनकी हर फिल्म रिलीज होते ही धमाल मचा देती है। रजनीकांत का जेलर 10 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और रोज कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। 6 दिन में ही फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। जेलर को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर इसका जलवा कायम है। जेलर एक एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म है जिसमें रजनीकांत के साथ शिव राजकुमार, मोहनलाल और जैकी श्रॉफ अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। 6 दिनों में जेलर ने मणिरत्नम की पोनियन सेल्वन पार्ट एक कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारत में 200 करोड़ के क्लब में हुई शामिल 15 अगस्त पर जेलर ने शानदार कलेक्शन किया है। पब्लिक हॉलीडे का फिल्म को बहुत फायदा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेलर ने 6वें दिन करीब 33 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसके बाद ये कलेक्शन 207.15 करोड़ हो गया है। तमिलनाडु के अलावा जेलर केरला में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जेलर ने पहले दिन इंडिया में 48 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। दूसरे दिन फिल्म की कमाई कम हो गई थी और इसने 25.75 करोड़, तीसरे दिन 34 करोड़ का कलेक्शन किया था। 3 दिन में फिल्म ने 108 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। जेलर की बात करें तो ये एक पिता और बेटे की कहानी है। फिल्म में रजनीकांत एक रिटायर्ड जेलर के रोल में नजर आए हैं। उसका बेटा पुलिस अधिकारी होता है। उसके बेटे की हत्या हो जाती है, जिसके बाद वो उन हथियारों को मारने की प्लानिंग करता है। रजनीकांत की जेलर को नेल्सन दिलीप कुमार ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में तमन्ना भाटिया का एक आइटम सॉन्ग भी है जो काफी वायरल हो रहा है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को बजा दो, कमेंट में लिखो भारत माता की जय।